सॉरी, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में फिजिक्स की क्या अहमियत है, हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब सब्जेक्ट के क्या एडवांटेज है? इसमें सबसे पहला एडवांटेज है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक जूसर ग्राइंडर, जितनी भी चीज़ें बिजली से चलने वाली जो आपके घरों में इस्तेमाल होती हैं। और कोई मिसाल आपके जहन में है बोलिए। जनरेटर, जनरेटर बिजली पैदा करता है, बिजली से चलता नहीं। क्या करता है? बिजली पैदा करता है। बिजली से चलने वाली चीज़ें बताएं, पानी वाली मोटर जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, वाडा, हाँ, एयर कंडीशन, कमरा ठंडा करने वाली मशीन हो गई, वाशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली, ये सब से बात को यानी अब देखें, सिलाई मशीन आजकल वो भी आ गई है ना, बिजली से चलने वाली सिलाई मशीन। तो जितनी भी मशीनें बिलमुम किससे चल रही है? बिजली से चल रही है। और बिजली या इलेक्ट्रिसिटी किसके ज़रिए पैदा हो रही है, उसका जो रूल्स दिया, जो उसका प्रिंसिपल दिया, वो डेवलप कैसे हो रही है, उसका नाम क्या है, वो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं, पैदा कैसे करते हैं वो तो एक अलग चैप्टर है, उस पर हम बात नहीं कर रहे आपसे इस वेट के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज़ सारी चीज़ें आ जाती हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब इंजॉय कर रहे होते हैं, फ़ैन की हवा को सब इंजॉय कर रहे होते हैं, गर्मियों में उसे रूम कूलर को इंजॉय कर रहे होते हैं, वो भी इसी से चलता है। फिर एक तो ये चीज़ हो गई इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या क्या बन रहा है देखिए। अब इसको बाकायदा हम लिख तो नहीं रहे, ऐसी समझ लें आप। इसमें चल एक मिसालें दे देते हैं, फैन, एसी, मोटर, ये बहुत सारी चीज़ें बिजली से चलती है और हर घर की ज़रूरत है इस वक्त। इसके बगैर मोटर नहीं हो तो फिर पानी कैसे बनेगा? पानी आता ही नहीं मोटर के बगैर। बहुत काम ऐसा है किसी घर में पानी मोटर के बगैर आता है। इज दैट क्लियर? फिर बात करें व्हीकल्स की, किसकी? व्हीकल्स की। मैकेनिक्स में आ जाता है वो सारा कुछ, थर्मोडायनामिक्स में आ जाता है। देखिए आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, अक्सर ये चलाती है मोटरसाइकिल, कार चलाते हैं, हवाई जहाज़, सबके अंदर क्या मौजूद है? इंजन। क्या लगा हुआ होता है? ट्रेन, इंजन लगा होता है। इंजन किस तरह काम करता है ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। अब इंजन जब फोर्स लगाता है, थर्मोडायनामिक्स के तहत आपने इंजन बना दिया। पहला इंजन 1824 में बनाया था सैडी कार्नोट ने। किसने बनाया था, नाम याद रहेगा? सैडी कार्नोट, 1824 में पहला इंजन डिज़ाइन करने वाले, आइडियल इंजन सैडी कार्नोट थे। उसकी बुनियाद पर फिर इंजन बनाए गए। इज डेट क्लियर? और थर्मोडायनामिक्स एक लॉ फिजिक्स की ब्रांच है, उसको इस्तेमाल किया गया इंजन को डिज़ाइन करने में, बनाने में। तो इंजन के बगैर कोई गाड़ी चल नहीं सकती, याद रखिएगा, इंजन बहुत ज़रूरी है। ओके, तो किस पर डिस्कस करते हैं? मैकेनिक्स क्यों लिखा? चूँकि गाड़ी चल रही है तो ज़ाहिर है फोर्स के तहत चल रही होगी, या विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ किन रूल्स के तहत वो चल रही है, वो हम पढ़ते हैं किसमें? मैकेनिक्स में। इसकी तो डेफिनेशन अभी हमने बकायदा लिखी भी थी। इज दैट क्लियर? फिर आप देखते हैं एक बहुत ही मशहूर चीज़ है आज के दौर में, ग्लोबल विलेज। दुनिया को जिस चीज़ ने ग्लोबल विलेज बना दिया वो क्या है? आपकी दुनिया सिमट गई है, वॉच के अंदर आ गई है। वॉच आजकल वो आई हुई है इलेक्ट्रॉनिक वॉच, उसके ज़रिए जो है पूरी की एप्पल वॉच आ गई है, जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया का विजिट कर सकते हैं जस्ट ऑन योर रिस्ट वॉच। तो किस चीज़ ने इसको इतना छोटा कर दिया दुनिया को? दैट इज़ आईटी टेक्नोलॉजी, है ज़ाहिर सी बात है। कौन सी? आईटी टेक्नोलॉजी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके ज़रिए सारा कुछ हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अभी हमने डिस्कस भी किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करती है। ये अब डिस्कस शायद हमने किया है या नहीं किया, मुझे नहीं याद आ रहा, किया था जो मैट्रिक की दूसरी क्लास हुई थी साउंड वाली, शायद मैंने उसमें डिस्कस किया था, आप नहीं थी उस वक्त। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सी फील्ड होती है? मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हर मोबाइल फ़ोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है। दुनिया में जितने भी टीवी स्टेशन हैं सब की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। फिर वो ऊपर सैटेलाइट्स लगी हुई है, उसके थ्रू वो एक दुनिया से जो फर्ज कर ले अमेरिका की कोई नशरियात है या सऊदी अरब या मदीना या मक्का की नशरियात है, वो पहले जा रही है सैटेलाइट पर, वहाँ से फिर वो दुनिया में हर जगह जा रही है, हर कंट्री में, पाकिस्तान में भी आ रही है, हर कंट्री में आ रही है। तो आपने देखा कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप कितनी आसानी के साथ पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स को देख सकते हैं, पूरी दुनिया के रेडियो चैनल्स को सुन सकते हैं। इज दैट क्लियर? किसके ज़रिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए। तो ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। फिर इसकी एक एप्लीकेशन है लेज़र टेक्नोलॉजी। कौन सी?
कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी सिमट जाए। ये लेज़र, लेज़र टेक्नोलॉजी, अभी भी बताया आपको कौन सी फिज़िक्स इसको डिफाइन करती है, बोलिए। अभी तो बताया था एटॉमिक फिज़िक्स, कौन सी फिज़िक्स, बोलिए। एटॉमिक फिज़िक्स अभी गुफ्तगू हमने की है इस पर पिछली वीडियो में ना, तो एटॉमिक फिज़िक्स में बताया था कि किस तरह से लेज़र लाइट प्रोड्यूस, हम तो जानते तो थे कि एटम से रोशनी आती है, लेकिन फिर हम चाहते थे कि कोई ऐसी लाइट होनी चाहिए जो हाईली इंटेंस हो, जिसके ज़रिए हम लोहे की बड़ी बड़ी शीटों को काट सकें। ऐसी जबर लाइट रोशनी से काट रहे हैं, किससे अंदाज़ा करें आप, रोशनी आरी से भी तेज़ काम कर रही है, शीट्स को काट रही है, मेटल शीट्स को काट रही है, और वही लेज़र टेक्नोलॉजी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस डाल दिया जाए तो उसी के ज़रिए फिर वो जिल जो होती है मोतिया का ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके ज़रिए बॉडी का ऑपरेशन किया जा रहा है, उसी लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए अंदाज़ा कर लें। तो कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है जो एटॉमिक फिज़िक्स के ज़रिए हमें हासिल हुई है, क्लियर। तो इस पॉइंट को भी जहन में रखा जाए, तो लेज़र टेक्नोलॉजी हो गई तो ठीक है बस। और बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें नज़र आती हैं, बहुत सारी और भी है जिन पर हमने गुफ्तगू नहीं की, लेकिन मैट्रिक के हवाले से इतनी गुफ्तगू काफ़ी है। तो याद रखिएगा जो फिज़िक्स की अहमियत है, चाहे आप फिज़िक्स पढ़ते हो, यानी एक्सरेस याद आ गए मुझे, कौन सी आपने देखा हो हर हॉस्पिटल में कौन सी वो लगी हुई होती है मशीन, एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन के ज़रिए क्या काम होता है पता है, किसी को फ्रैक्चर हो जाए, बोन फ्रैक्चर हो जाए तो वो एक्सरेज उससे गुजारी जाती है, एक्सरेज जो है वो हड्डियों से पास हो जाती है याद रखिएगा, लेकिन गोश्त पोस्ट से पास नहीं हो सकती। तो हड्डियों के अंदर कोई बोन के अंदर क्रैक होगा तो वो क्रैक जो एक लाइन की सूरत में फोटोग्राफिक प्लेट पे नज़र आ जाता है। तो लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए पता चलता है कि बोन कितनी ब्रेक हुई है, कितनी ज़्यादा गहरी ब्रेक हुई है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो एक्स रेज बनाई गई है, वो भी किस लॉस के तहत, फिज़िक्स लॉस के तहत, अब अंदाज़ा कर लें। सी टी स्कैन होता है पूरी बॉडी का, वो मशीन भी किसके ज़रिए काम कर रही है, फिज़िक्स लॉस के ज़रिए। हवाई जहाज़ को नीचे उतारना है, पीआईए का हवाई जहाज़, तो क्या हवाई जहाज़ को पायलट को नज़र आता है नीचे कि कहाँ वो टायर होगा। आप में से कोई डंपर के ऊपर बैठा है क्या, डंपर मशीन, वो जो है ट्रक, डंपर ट्रक जिससे ज़्यादा हलाकतें आजकल इल्ला माशाल्लाह हो रही है, वही डंपर जो सबसे बड़ा ट्रक होता है, यानी वो ड्राइवर इतनी हाइट पर मौजूद होता है कि आप अगर बाइक पर देखेंगे तो आपको बहुत ही ऊंचा नज़र आएगा, मेरा ख्याल है उसको नज़र नहीं आता होगा सही तरह से नीचे, अगर वो होशियार नहीं हो ड्राइवर तो एक्सीडेंट लाजमी होगा। तो कराची में ज़्यादातर एक्सीडेंट डंपर के ज़रिए होते हैं याद रखिएगा, आए दिन खबरें देखने को मिलती हैं कि डंपर के ज़रिए वाला मोटरसाइकिल, बहरहाल तो आपने देखा डंपर का जो ड्राइवर है उसको बहुत होशियार होना चाहिए। तो जो हवाई जहाज़ का पायलट है उसको क्या नीचे नज़र आएगा उतरने के लिए, नहीं, उसको डॉपलर इफेक्ट के ज़रिए इन्फॉर्मेशन दी जाती है। डॉपलर इफेक्ट इज़ द टॉपिक ऑफ फिज़िक्स, या पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में, चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है, क्या जो डॉपलर इफेक्ट, उसके ज़रिए रेज निकलती है जो बताती है कि किस तरह से हवाई जहाज पायलट को सिग्नल देती है कि इस एंगल पर अपने लीवर को रखो और इस तरह से फिर अपने पहिए खोल दो फिर नीचे उतराओ, नहीं समझे बात को, क्योंकि ऊपर जो पायलट होता है उसको नीचे दिखता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है ऊपर किससे, कंट्रोल रूम से, उसके मुताबिक वो ऑपरेट कर रहा होता है और नीचे उतर आता है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट आ गया। तो आप देखें हर पल हर जगह किसकी ज़रूरत है, आपको किसी ढलान सतह पे चढ़ना है, ढलान सतह है, अगर आप चढ़ेंगे तो, अगर आप बिल्कुल सीधे होकर चढ़ेंगे तो क्या होगा, पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो ढलान सतह पे अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने आपको झुकाना पड़ता है, नहीं समझे बात, झुकाना पड़ता है तब ऊपर आप ढलान सतह पे जा सकते हैं। अगर आप जिस तरह फर्श पे चलते हैं इसी तरह ढलान सतह पे चढ़ेंगे तो क्या होगा, पीछे की तरफ गिर जाएंगे। अब आप फिज़िक्स का कानून जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आपको इस पर अमल करना पड़ेगा अगर हादसे से बचना है, समझ रहे बात को। तो देखा आपने किस तरह से फिज़िक्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही है। चले ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काम।